हर वर्ष की भांति इस बार भी सावन के अंतिम सोमवार को संभल के प्रसिद्ध श्री हरिहर शिव मंदिर के जल चढ़ाने की मांग को लेकर शिव सैनिकों ने इंपीरियल चौराहे पर प्रदर्शन कर सांकेतिक गिरफ्तारी दी। में हम शिव सैनिकों की हरिहर मंदिर में जाने पर गिरफ्तारी करी गई है। जिस तरह से समाजवादी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उत्पीड़न शिव सैनिकों का हो रहा था, उसी तरह से आज आप देख रहे हो कि हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे पूरे जिले के पदाधिकारी को गिरफ्तारी करी गई है। जेलों में जाने की तैयारियां करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और हरिहर मंदिर में जल चलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। शिव सैनिक जाएगा, जेल जाना पड़े, लेकिन शिव सैनिक हरिहर मंदिर पर जल चढ़ाएगा। जय भवानी, जय शिवाय। उस जगह को हमारी वो 1972-73 से उस जगह को बंद कर दिया गया। उस मंदिर को मुक्त कराने के लिए शिवसेना पिछले 18 साल से प्रयासरत है। शिवसेना लगातार गिरफ्तारी दे रही है, जेलों में जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक उम्मीद थी कि ये हरिहर मंदिर पर जल चढ़ेगा, लेकिन इन्होंने पूरा उत्पीड़न करा और हम लोगों की गिरफ्तारी करी है। हम भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन सौंपा। शिव सैनिकों का कहना है कि तीर्थ नगरी संभल के श्री हरिहर शिव मंदिर को फिर से खोल दिया जाए और श्रद्धालुओं को जल अभिषेक करने की अनुमति प्रदान की जाए। यहाँ पर भी चौराहे पर एक ज्ञापन दिया गया है और एक सांकेतिक गिरफ्तारी की इनके द्वारा बात की गई है और हम लोगों ने ज्ञापन ले लिया है जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित है। इसको हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। इनकी मांगे मूलतः आप सभी लोग जानते हैं, इनको यहाँ तो जलाभिषेक करने के लिए हरिहर मंदिर में वहाँ संभल में जाने दिया जाए और उसके लिए वहाँ के ADM के विद्या राजस की तरफ से पत्र जारी किया गया है, जिसमें लिखित में कहा गया है कि वहाँ पर किस तरीके की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने धारा 144 के तहत इनको उस ज़िले में जाने से लिए प्रतिबंधित किया गया है आज के लिए। इस वजह से इनको यहाँ पर ही इनका ज्ञापन का जो कार्यक्रम है यहीं पर ही संपन्न कराया गया है। इनके द्वारा भी सांकेतिक रूप से गिरफ्तारी करने की मांग की गई है, उसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे।